Friends, in today's video, we are going to discuss about one of the most easiest and the interesting topic, that is breathing mechanism. ये इस chapter में का एक बहुत ही easy topic है. Breathing rate. Normal healthy person breathes 12 to 16 times per minute. Breathing has two stages, inspiration and expiration. Breathing means inspiration plus expiration. इन दोनों प्रोसेसेस को हम कंबाइन करेंगे तो इसे कंबाइनली हम कहेंगे ब्रीदिंग. प्रेशर ग्रेडियंट. फ्रेंड्स, ब्रीदिंग मैकेनिज्म हमें समझने के लिए प्रेशर ग्रेडियंट इस टर्म का मीनिंग मालूम होना बहुत ज़रूरी है. Breathing is carried out by creating pressure gradient between atmospheric air and pulmonary air. Pulmonary air means the air inside the lungs. Meaning ध्यान में रखना है, pulmonary air किसे कहेंगे, जो air lungs में होती है वो है पल्मोनरी एयर. और एटमॉस्फेरिक एयर ये तो आपको पता है. प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर्स ऑन एयर इन ऑन एटमॉस्फेरिक एंड पल्मोनरी एयर. ये कंसेप्ट क्लियर होने के लिए हम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट देखेंगे. इस एक्सपेरिमेंट में हमने एक बोतल ली है. इस बोतल का नीचे वाला हिस्सा हमने कट किया है और उस कट एंड पर हमने एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन को बांध दिया है. जो लीड है बोतल का उसमें से हमने एक्स्ट्रा अंदर डाली है. यह है बॉटल का ओपन एंड. दिस इज द ओपन एंड ऑफ बॉटल. दिस स्ट्रॉज दे एक्ट लाइक द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. द बॉटल इट्सेल्फ एक्ट्स एज द थोरेसिक कैविटी. इन स्ट्रॉस को जो बलून्स हमने अटैच किए हैं वो लंग्स की तरह काम करेंगे और ये कट एंड पे जो फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन हमने बांधा है वो डायफ्रेम की तरह काम करेगा. जब हम इस डायफ्रेम को नीचे की तरफ खींच रहे हैं तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बॉटल के अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इसलिए बॉटल के अंदर जो एयर है उसके ऊपर का प्रेशर कम हो रहा है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हेंस द एटमॉस्फेरिक एयर इट एंटर्स इनसाइड द बॉटल एंड ड्यू टू दिस दिस बलून्स दे आर फिल्ड विद द एयर. प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होने के लिए जो बॉडी पार्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं इंटरकॉस्टल मसल्स. ये दो टाइप के होते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स.
इंटरकोस्टल मसल्स दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द टू रिब्स. डायफ्रेम, इट इज ट्रांसवर्स सेप्टम विच सेपरेट्स द थोरेसिक कैविटी एंड द एब्डोमिनल कैविटी. एंड द थर्ड पार्ट विच इज इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट द प्रेशर ग्रेडियंट इज रिब्स अलॉन्ग विद द स्टर्नम एंड दीज आर द पार्ट्स ऑफ थोरेसिक केज. इंस्पायरेशन मीन्स टेकिंग एटमोस्फेरिक एयर इनसाइड द एल्वियोलाई और लंग्स. बाहर की एटमोस्फेयर में जो एयर है वो लंग्स के अंदर लेना, इसे कहते हैं इंस्पायरेशन. ये किस तरह से किया जाता है? फर्स्ट इंटरकोस्टल मसल्स दे गेट कॉन्ट्रैक्ट. इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने पर स्टर्नम एंड रिब्स दे आर पुल्ड अपवर्ड्स. ड्यू टू दिस डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, डायफ्राम फ्लैट होता है एंड इट रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी. इन तीनों इवेंट्स की वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है. थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होना, इट इज़ वेरी सिमिलर टू द इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम ऑल्सो. मीन्स लंग्स का वॉल्यूम भी इसकी वजह से बढ़ता है. वॉल्यूम इंक्रीज होने के साथ ही प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है. प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होने पर प्रेशर ऑन पल्मोनरी एयर मीन्स लंग्स के अंदर जो एयर है उसके ऊपर का प्रेशर कम होता है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक एयर. मीन्स दिस पल्मोनरी एयर हैज़ द निगेटिव प्रेशर एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक एयर. तो इस तरह से प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया एंड दैट्स व्हाई द एटमॉस्फेरिक एयर इट मूव्स इनसाइड द लंग्स और इसे हम कहते हैं इंस्पायरेशन. द सेकंड स्टेज इन द ब्रीदिंग इज एक्सपायरेशन. इसका मीनिंग है एक्सपेलिंग एयर आउटसाइड फ्रॉम द एल्वियोलाई और लंग्स. लंग्स में से एयर बाहर फेंकना यानी एक्सपायरेशन. यह किस तरह से किया जाता है? इट्स वेरी सिंपल. अगर आपको इंस्पायरेशन प्रोसेस समझ में आ गई है तो एक्सपायरेशन जान लेना उससे भी बहुत इजी हो जाएगा. वेरी सिमिलर इवेंट्स इन द एक्सपायरेशन बट दे आर ओनली इन द अपोजिट मैनर. इंटरकोस्टल मसल्स दे गेट रिलैक्स. इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होने से स्टर्नम एंड रिब्स दे आर पुल डाउनवर्ड्स. ड्यू टू दिस डायफ्राम इज ऑल्सो रिलैक्सड मीन्स इट गेन्स इट्स ओरिजिनल पोजिशन दैट इज डोम शेप्ड. एंड ड्यू टू ऑल दीज थ्री इवेंट्स वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस. थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो गया और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम होना मीन्स पल्मोनरी वॉल्यूम का कम होना. पल्मोनरी वॉल्यूम ऑल्सो डिक्रीजेस एंड दैट्स व्हाई द प्रेशर ग्रेडियंट इज क्रिएटेड. ये कैसे क्रिएट हुआ प्रेशर ग्रेडियंट? प्रेशर ऑन पल्मोनरी एयर इंक्रीजेस. वॉल्यूम कम होने से
लंग्स के अंदर जो एयर है उसके ऊपर का प्रेशर बढ़ गया, एंड ड्यू टू दिस द एयर इनसाइड द लंग्स इट मूव्स आउटसाइड, यानी कि एक्सपायरेशन हो गया। ऑब्जर्व दिस डायग्राम्स केयरफुली। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों हमने इस डायग्राम्स में दिखाए हैं। फर्स्ट डायग्राम इज ऑफ इंस्पायरेशन, इसमें एयर इज इनहेल्ड बिकॉज द चेस्ट और थोरेसिक कैविटी इज एक्सपांडेड, डायफ्राम ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टेड। इन द सेकंड डायग्राम इट इज ऑफ द एक्सपायरेशन, मीन्स एयर इज एक्सहेल्ड बिकॉज द चेस्ट और थोरेसिक कैविटी इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द डायफ्राम रिलैक्सेस। यही हमने इस एनिमेशन में दिखाया है किस तरह से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन हो रहा है, आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो। ये वीडियो आपको कैसे लगा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो कभी नहीं भूलना। थैंक यू।